Hi everyone, so welcome back to Nuskrit and in this video we are going to discuss another problem based on DFS. So the problem statement is path with given sequence. So I think problem ka title padh ke hi problem samajh mein aa gayi hogi. So this time we will be given a tree and we will be given a sequence also, right? To so, hum ek sequence bhi milega is baar. अलग से एक variable के अंदर एक sequence भी मिलेगा Sequence बोले तो एक list मिलेगा क्या मिलेगा right? और एक tree का root node मिलेगा Now what we have to do is इस पूरे tree के अंदर इस पूरे ट्री के अंदर हमें एक ऐसा रूट से लेकर के लीफ तक का पाथ कैलकुलेट करना है जो कि इस सीक्वेंस से मैच होता हो ठीक है तो कंप्लीट पाथ रूट से लेकर के एंड तक लीफ तक ठीक है तो जैसे फॉर एग्जांपल इस पर्टिकुलर ट्री के अंदर हमारे पास तीन लीफ नोड्स हैं एक नाइन एक टू और एक फाइव इसका मतलब इस ट्री के अंदर तीन पाथ एग्जिस्ट करेंगे है ना थ्री टू नाइन थ्री टू टू एंड थ्री टू फाइव तो इन तीनों पाथ में से इन तीनों ही पाथ में से अगर एक भी पाथ हमारे सीक्वेंस से मैच होता है तो वी आर गोइंग टू रिटर्न ट्रू अदरवाइज वी आर गोइंग टू रिटर्न फॉल्स ठीक है तो आई थिंक प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्लियर होगा नाउ लेट्स टॉक अबाउट इट्स इंप्लीमेंटेशन कि कैसे इसको कर सकते हैं हम ठीक है तो देखो अब ऑलरेडी मैं दो प्रॉब्लम प्रॉब्लम्स करा चुका हूँ डी एफ एस पे तो अगर आप इसको डायरेक्टली इस वीडियो को देख रहे हो तो प्लीज़ यार मेरी ऐसे वीडियोज़ मत देखो आप ठीक है आप मेरी वीडियोज़ एकदम स्टार्टिंग से देखो स्टार्टिंग मीन्स अगर आप डी को पैट डी को मास्टर कर रहे हो तो आप डी से देखना शुरू करो ठीक है वीडियो नंबर फिफ्टीन से राइट और अगर सॉरी वीडियो नंबर फोर्टीन से आई थिंक फोर्टीन है देख लेना मतलब डी ग्रीन कलर का लगा हुआ है राइट और अगर आप मेरी वीडियोस बी की कोई वीडियो देख रहे हो तो बी की वीडियो बीच में से मत देखो बी की वीडियो एकदम स्टार्टिंग से देखो ठीक है समझ में आ गया तो ये चीज़ एक इंपॉर्टेंट बात है ठीक है मेरी सीरीज़ को आप बीच में से नहीं देख देख सकते ठीक है चलिए अब बात करते हैं इस प्रॉब्लम के बारे में तो देखो अभी ऑलरेडी मैं दो प्रॉब्लम आपको करा चुका हूं डी एफ एस पे बेस्ड ठीक है उन दोनों ही प्रॉब्लम्स के अंदर मैंने एकदम इनडेप डी एफ एस पैटर्न आपको समझाया है एकदम इनडेप्थ राइट right? तो अभी क्या है कि इस इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर जब फटाक से समझते हैं हम करेंगे क्या देखो हम क्या करेंगे हम एक आई नाम का इंडेक्स वेरिएबल मेंटेन करेंगे राइट right? तो हम क्या करेंगे एक आई नाम का इंडेक्स वेरिएबल मेंटेन करेंगे और यू कैन से एक इंडेक्स वेरिएबल मेंटेन करेंगे ठीक है और हम एक रूट नोड पे होंगे ठीक है हम एक रूट नोड पे भी होंगे तो इनिशियली व्हाट वी विल डू इज़ क्योंकि हमें तो रूट से लेकर के लीफ तक का पाथ एकदम मैच करना है हमें तो रूट से लेकर के पूरा लीफ तक का पाथ मैच करना है तो हम क्या करेंगे बेसिकली हम हर जिस जिस नोड पे होंगे उस नोड को इस सीक्वेंस से कंपेयर कराते चलेंगे राइट तो अभी क्या है कि हम रूट नोड पे हैं तो पहले चेक कराओ क्या रूट का डेटा इस सीक्वेंस के बराबर है क्या रूट का डेटा सीक्वेंस के बराबर है ठीक है बराबर है लेकिन लेकिन ये लीफ नोड नहीं है ठीक है ये लीफ नोड नहीं है मतलब ये सीक्वेंस का एंड नहीं है तो एक काम करो इस वाली नोड को अब तुम लेफ्ट पे कॉल कर दो और इसका इंडेक्स भी बढ़ा दो क्योंकि यार अगर एक एलिमेंट मैच हो गया है अगर एक एलिमेंट मैच हो गया है लेट से तो इट मीन्स हमें आगे बढ़ना चाहिए राइट तो इट मीन्स क्या होगा कि हम क्या करेंगे इसको हमने लेफ्ट में कॉल कर दिया और इसको हम आगे बढ़ा गए राइट अब देखो हम फिर से क्या करेंगे अब हम इस सेवन को इस सेवन वाले नोड के डेटा को कंपेयर करेंगे इससे आप मुझे ये बताइए क्या इस सेवन सेवन नोड का डेटा इस आई एथ इंडेक्स के बराबर है इस एलिमेंट के बराबर है नहीं नहीं है राइट right? अगर नहीं है तो इट मीन्स ये पाथ भी इसके इक्वल नहीं बन सकता आप सोच के देखिए एक मिनट के लिए भाई आपने सबसे पहले थ्री को चेक किया था थ्री को चेक किया था इस स्टार्टिंग वाले एलिमेंट से तो इक्वल निकला अगर इक्वल नहीं मिलता लेट्स अगर इक्वल नहीं मिलता तो क्या ये पाथ हमारे इस पूरे ट्री के अंदर एग्जिस्ट करता यार ये एक सीक्वेंस है सीक्वेंस हमें पाथ से कंपेयर करना है पाथ की वैल्यू हो रही है थ्री से स्टार्ट पहला एलिमेंट ये अगर थ्री से मैच नहीं करता तो फिर तो सिक्वेंस ही एग्जिस्ट नहीं करता हमारे ट्री के अंदर है ना तो इसका मतलब अगर शुरू में ही हमें ये थ्री मैच नहीं करता तो हम यहीं से रिटर्न कर देते फॉल्स हम यहीं से रिटर्न कर देते फॉल्स कि है ही नहीं हमारे पास मिलेगा ही नहीं पूरे ट्री के अंदर ये वाला सीक्वेंस रूट से लेकर के लीफ तक का हमें मैच ही नहीं कर पाएंगे हम लेकिन क्योंकि मैच हुआ इसलिए हमने इस फंक्शन को इस पर कॉल किया ठीक है और इसका आई हमने आगे बढ़ा दिया कि अब थ्री तो हमने मैच कर लिया अब तुम सेवन पे अगर लेफ्ट पे कॉल कर रहे हो तो तुम्हें नेक्स्ट वाला इंडेक्स कैलकुलेट करना है चेक करना है ठीक है पर हमने ये देखा कि नेक्स्ट इंडेक्स मैच ही नहीं हो रहा मीन्स करंट जो तुम्हारे पास रूट नोड है उसकी जो वैल्यू है वो वन से मैच नहीं हो रही वो इस करंट वैल्यू से मैच नहीं हो रही ठीक है आप ऐसा समझ सकते हो कि अगर इस एरे का नाम सीक्वेंस है अगर इस एरे का नाम सीक्वेंस है तो आप बेसिकली ये चेक करोगे कि जो तुम्हारे पास करंट रूट नोड है मीन्स रूट नोड का जो डेटा करंट रूट नोड जो डेटा है अगर वो बराबर नहीं है किसके तुम्हारे पास सीक्वेंस एरे के सीक्वेंस एरे के आई एथ इंडेक्स के है ना तो यू विल यूट यू विल डायरेक्टली रिटर्न फॉल्स अगर नहीं है अगर बराबर नहीं है तो यू कैन डायरेक्टली रिटर्न फॉल्स आप डायरेक्टली फॉल्स रिटर्न करोगे ठीक है मीन्स इस पाथ के लिए हम ये सीक्वेंस नहीं मैच कर पाए तो फिर क्या करेंगे हम तो फिर हम एक काम करेंगे वापस थ्री पे आ जाते हैं और इस आई को भी वापस यहाँ पे ले आते हैं और तुम राइट साइड में कैलकुलेट कर लो तुम राइट साइड में कैलकुलेट कर लो तो अगेन द सेम सिचुएशन क्योंकि फर्स्ट कैरेक्टर फर्स्ट कैरेक्टर सेम है नहीं होता तो हम यहीं से रिटर्न कर देते फॉल्स तो ये बोलेगा कि ठीक है तो अब तुम क्या करो अब तुम थ्री को जो है मैच करो और इसका नेक्स्ट इंडेक्स मैच करो यहाँ पे हम चेक करेंगे क्या इक्वल है यस yes, इक्वल है इक्वल है तो इक्वल है तो फिर से क्या करेंगे इस पर्टिकुलर नोड का लेफ्ट एंड राइट दोनों है तो पहले हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम पहले लेफ्ट को लेफ्ट वाले ट्री को कवर करके आएंगे ठीक है तो ये क्या करेगा ये वाली नोड अपने लेफ्ट में कॉल करेगी और इसका भी आई इंडेक्स आगे हो जाएगा ठीक है हम फिर से चेक करेंगे कि डेटा इक्वल है यस अब देखो डेटा भी इक्वल है और जिस करंट नोड पे खड़े हो आप वो भी उसका लेफ्ट एंड राइट दोनों नल है तो मैच करते करते समझना मेरी बात अगर मैच करते करते अगर मैच करते करते आप एक ऐसी नोड पे पहुंच जाते हो ठीक है कि जो कि लास्ट में मैच हो जाती है मतलब जो कि लास्ट नोड है जिसका लेफ्ट एंड राइट नल है इसका मतलब वो लीफ नोड है तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका सीक्वेंस मैच हो रहा है आपका सीक्वेंस मैच हो रहा है जो पैटर्न आपको गिवन है वो आपके पास मैच हो रहा है ठीक है वो सीक्वेंस मैच हो रहा है ठीक है तो आई थिंक ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी तो मीन्स सिंपली कुछ नहीं करना हम फिर से वही सेम काम करेंगे कि लेफ्ट में कॉल करेंगे फंक्शन फंक्शन एक राइट right में कॉल करेंगे इंडेक्स की वैल्यू पास कर देंगे एक ज़्यादा कि जो थ्री पे वैल्यू थी इंडेक्स की आई की अब जब वन पे कॉल होगा फंक्शन तो आई इज़ इक्वल टू तो आई प्लस वन कर देंगे सो दैट किन सीक्वेंस के अंदर नेक्स्ट इंडेक्स पे कॉल हो तो वो सब चीज़ें हम अभी देखेंगे ठीक है फंक्शन थोड़ा इसी पे फोकस करते हैं एक्सप्लेनेशन पे कोड तो बहुत इसका सिंपल है ठीक है कोड तो आप लोगों ने देख लिया डी का दो से तीन लाइन का कोड होता है आ, तो इस तरीके से हम करेंगे अब ऐसा भी हो सकता था कि ये टू यहाँ पर टू ना होता मान लो एक एक सिचुएशन समझो कि अभी ये तो समझ में आ गया मान लो ये टू की जगह फाइव होता है यहाँ पर कि हमें फ़ाइव के लिए कैलकुलेट करना था थ्री वन फाइव तो एक काम करते हैं हम इस आई पे थे और हम इस वन पे थे ठीक है यहाँ से चेक करते हैं क्योंकि इतना तो आपको पता है तो यहाँ पे क्या हुआ था जब हम इस वन पे थे तो ये लेफ्ट में जाएगा तो ये लेफ्ट में जाएगा तो ये आई भी आगे इंक्रीमेंट होगा हमने देखा कि यार ये टू है ये फाइव है ये टू है और ये फाइव है ये तो मैच नहीं हो रहा अगर ये मैच नहीं हो रहा तो इस पर्टिकुलर फंक्शन कॉल के लिए जो तुमने लेफ्ट पे कॉल किया है यहाँ से तुम फॉल्स रिटर्न करो यहाँ से तुम फॉल्स रिटर्न करो तो मीन्स फॉल्स रिटर्न होगा ये वापस इस पर आ जाएगा और ये तुम्हारा आई भी वापस इस पर आ जाएगा क्योंकि देखो जब फंक्शन के जो फंक्शन कॉल होता है रिकर्जन जो कॉल होता है जब वो बैक ट्रैक करता है तो जो वैल्यूज उस पॉइंट इन टाइम पे थी वो वैल्यूज भी बैक ट्रैक करती है राइट तो अगर ये वन यहाँ से यहाँ पे गया था नेक्स्ट फंक्शन कॉल में तो अगर वापस फंक्शन आ रहा है तो वो आई वापस से यहाँ पे आ जाएगा ठीक है तो अब हम क्या करेंगे क्योंकि इस फंक्शन का लेफ्ट साइड से इसको आंसर मिल चुका और इसको लेफ्ट साइड से कितना आंसर मिला इसको लेफ्ट साइड से आंसर मिला फॉल्स तो अब ये फंक्शन राइट साइड से कैलकुलेट करेगा तो राइट right साइड से कैलकुलेट करेगा तो क्या करेगा कि ये फंक्शन जाएगा फाइव पे और ये आई भी तुम्हारे पास इंक्रीमेंट हो जाएगा एंड फाइनली अगेन यू विल चेक कि जिस नोड पे तुम हो उसका डेटा बराबर है सीक्वेंस के इंडेक्स आई से बराबर भी है और ये वाली नोड नल भी है तो अगर ऐसी सिचुएशन आती है आपके पास ध्यान से देखिएगा अगर ये था तो हमने रिटर्न किया फॉल्स लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन आती है कि इफ आपके पास जो करंट नोड है उसका राइट भी नल है और करंट नोड का जो लेफ्ट है वो भी नल है और साथ के साथ आप चेक करो कि जो करंट नोड है उसका जो डेटा है वो बराबर है किसके सीक्वेंस के करंट इंडेक्स के अगर ऐसा है तो आप रिटर्न कर दो तो यहाँ से ट्रू आप रिटर्न करोगे यहाँ से ट्रू ठीक है सो so ये कोड की एक लाइन है ये एक बेस केस है जो हमने निकाला कि अगर आप किसी ऐसी नोड पे पहुंच जाते हो कि जो कि आपके पास जो है जो लीफ नोड है और उसका लेफ्ट एंड राइट नल है मतलब लीफ नोड है मतलब लेफ्ट एंड राइट नल है लेकिन उसका डेटा भी बराबर है सीक्वेंस के करंट इंडेक्स से तो आप रिटर्न कर दोगे ट्रू क्यों क्योंकि आपको सीक्वेंस मिला एक आपको एक सीक्वेंस मिला ठीक है तो मीन्स यहाँ से ये यह फंक्शन क्या करेगा यहाँ से ये यह फंक्शन इसको रिटर्न करेगा ट्रू ठीक है अब देखो आपको एक जगह से ट्रू रिटर्न हो रहा है एक जगह से फॉल्स रिटर्न हो रहा है तो अल्टीमेटली हमें क्या चाहिए था कि पूरे ट्री के अंदर एक भी अगर सीक्वेंस अवेलेबल है तो हम ट्रू रिटर्न करेंगे मीन्स वी विल बी टेकिंग ओर ऑफ दीज टू ठीक है इसका मतलब आप समझ गए होंगे अब आप समझना शुरू करो प्लीज़ ठीक है आप दो प्रॉब्लम ऑलरेडी देख चुके हो कि अगर तुमने किसी फंक्शन को लेफ्ट में कॉल किया और अगर किसी फंक्शन को राइट में कॉल किया और आप किसी भी एक पाथ से आंसर अपना एक्सपेक्ट कर रहे हो तो बीच में और ऑपरेटर लगा दो ठीक है आप बीच में और ऑपरेटर लगा दो ठीक है तो जैसे हमने एग्जैक्टली फर्स्ट क्वेश्चन में किया था डी के ठीक है जो कि हमने एग्जैक्टली फर्स्ट क्वेश्चन में किया था बाइनरी ट्री विद पाथ विद गिवन पाथ ठीक है बाइनरी ट्री पाथ सम वाले क्वेश्चन में जो किया था ठीक है तो हमने और ऑपरेटर लगाया था तो यहाँ पे भी हम और ऑपरेटर लगा देंगे सो दैट इज़ वॉट वी हैव टू डू ठीक है लेकिन एक सिचुएशन समझने की कोशिश करिएगा ठीक है से फॉर एक्जाम्पल मैं एक सिचुएशन आपके सामने लेकर के आता हूँ ठीक है समझना ओके okay, फाइन तो ये एक सिचुएशन मैंने आपके सामने जो है लेकर के आया हूँ से आप समझिए कि आपको एक बाइनरी ट्री दे रखा है और इसके अंदर एक पाथ है थ्री वन टू सिक्स ठीक है मतलब ये माइनेट्री दे रखा है लेकिन आपको जो सीक्वेंस फाइंड आउट करना है वो अभी भी थ्री वन टू फाइंड आउट करना है वो आपको सीक्वेंस अभी भी थ्री वन टू फाइंड आउट करना है ठीक है अब देखना है यहाँ पर क्या है इसके इस केस में आप सोचने की कोशिश करिए कि क्या रिटर्न होगा ट्रू होगा कि फॉल्स रिटर्न होगा देखो मैंने आपको ऑलरेडी ही बता दिया था कि जो भी सीक्वेंस गिवन है वो सीक्वेंस मैच करना चाहिए रूट से लेकर के लीफ तक के पाथ में ठीक है तो अब देखो जैसे क्या होगा मान लो आप स्टार्टिंग में देखो लेफ्ट पार्ट में कवर नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है आपको भी पता है कि लेफ्ट साइड से फॉल्स आंसर आएगा तो इसका यही वाला पार्ट बात देखते हैं कि कैसे ये कवर करेगा इसको देखो करंट रोड है मेरे पास थ्री वो बोलेगा थ्री तो मैच हो रहा है तो तुम राइट पर कॉल करो और ये आ जाएगा यहाँ पर ठीक है अब क्या कि करंट करंट रोड फिर से मैच हो रही है क्योंकि करंट रोड फिर से मैच हो रही है बट इसका लेफ्ट एग्जिस्ट करता है तो पहले लेफ्ट में कॉल करेगा तो ये इसको लेफ्ट में लेकर के आएगा और इंडेक्स को ले आएगा यहाँ पर ठीक है अब ये क्या करेगा फिर से समझना कोशिश करना कि ये जो वैल्यू है क्योंकि इसका लेफ्ट तो कुछ है नहीं तो लेफ्ट है लेफ्ट में जाएगा बट लेफ्ट से वापस आ जाएगा लेफ्ट जाएगा बट लेफ्ट से वापस आ जाएगा क्योंकि नल है लेफ्ट में लेकिन जब ये फंक्शन राइट right में कॉल करेगा जब ये फंक्शन यहां पर राइट में कॉल करेगा तो ये अपने इंडेक्स को भी आगे लेकर के जाएगा इंडेक्स तो हम इंक्रीमेंट करके भेज रहे हैं ना बस यहाँ पे इंडेक्स जीरो था फिर हमने इंडेक्स प्लस वन करके भेजा फिर नेक्स्ट फंक्शन कॉल में फिर से इंडेक्स प्लस वन कर दिया फिर नेक्स्ट कॉल फंक्शन कॉल में फिर से इंडेक्स वन प्लस कर दिया तो अभी क्या है कि रिकर्जन कॉल हो रहा है तो रिकर्जन में हम सिंपली इंडेक्स प्लस वन पास करते जा रहे हैं तो वो क्या होगा कि इंडेक्स अभी इस पोजीशन पर आ जाएगा लेकिन अब आप ध्यान से देखना वो जो हमने कंडीशन चेक की थी कि अगर किसी सम पॉइंट इन टाइम पे अगर नोड का डेटा मैच नहीं होता आपके सीक्वेंस के करंट इंडेक्स से तो आप रिटर्न करते फॉल्स आप उसी कंडीशन में एक कंडीशन और लगा दीजिए कि अगर किसी पॉइंट इन टाइम पे आपका करंट इंडेक्स आई अगर ग्रेटर देन या फिर इक्वल हो जाता है किसके ग्रेटर देन या फिर इक्वल हो जाता है किसके इस लेंथ ऑफ सीक्वेंस के इस लेंथ ऑफ सीक्वेंस के ठीक है जो आपको सीक्वेंस गिवन है तो आप उसके इस में भी रिटर्न करोगे फॉल्स है ना तो ओवरऑल कंडीशन क्या हो जाएगी हमारे पास उसको समझने की कोशिश करते हैं फाइन सो इट मींस अगर किसी पॉइंट इन टाइम पे आपका करंट इंडेक्स ग्रेटर देन हो जाता है सीक्वेंस की लेंथ से है ना सीक्वेंस की लेंथ से इसका मतलब ये कब हुआ होगा ये कब पॉसिबल होगा ये कब पॉसिबल होगा जब सीक्वेंस खत्म हो जाएगा लेकिन फंक्शन फिर भी किसी किसी एक सर्टेन नोड पे कॉल हुआ है सीक्वेंस खत्म हो गया लेकिन फंक्शन अभी भी किसी स्पेसिफिक नोड पे क्लियर कॉल uh, हुआ है इसका मतलब क्या हुआ कि अभी रूट से लेकर के लीफ तक के पाथ में कोई नोड एग्जिस्ट कर दिया बट सीक्वेंस खत्म हो चुका तो ऑल दो थ्री वन आपका करंट सीक्वेंस से मैच हुआ लेकिन स्टिल इस पाथ में भी और भी नोड एग्जिस्ट करती है कैसे पता चला क्योंकि करंट इंडेक्स सीक्वेंस से बाहर पहुंच गया तो क्योंकि इस पॉइंट इन टाइम पे जो एक्चुअल आपके पास इंडेक्स था वो ग्रेटर देन इक्वल टू हो चुका है लेंथ ऑफ सीक्वेंस से या फिर अगर अगर ये कंडीशन मान लो मैच नहीं होती या फिर अगर ऐसा होता है कि किसी पॉइंट इन टाइम पर आपका करंट रूट का डेटा मान लो आप यहाँ पे थे आप यहाँ पे इस आप टू पे होते आप टू पे थे ठीक है और यहाँ पे लेट से टू ना होता है यहाँ पे कुछ और नोड यहाँ पे कुछ एट होता तो आप यहीं से रिटर्न कर सकते थे कि इस पर्टिकुलर पाथ में ये मैच नहीं हो रहा हमारे गिवन सीक्वेंस से ये वाला पर्टिकुलर पाथ मैच नहीं हो रहा हमारे गिवन सीक्वेंस से तो अगर इन दोनों ही केसेस में कोई भी कंडीशन ट्रू होती है तो आप रिटर्न कर दोगे फॉल्स ट्रू का केस मैंने आपको कौन सा बताया कि अगर किसी नोड पे आप हो है ना इक्वल टेस्ट इक्वल कंडीशन टेस्ट करते 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 आप किसी ऐसी नोड पर आ गए जिसका लेफ्ट एंड राइट नल है और उसका डेटा भी लास्ट आपके करंट इंडेक्स के बराबर है ठीक है तो उस केस में क्या हो जाता हम रिटर्न कर देते ट्रू जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर इसी नोड के अंदर यहाँ पे कॉमा सेपरेटेड करके हमारे पास सिक्स भी होता कुछ इस तरीके से ठीक है तो उस पॉइंट इन टाइम पर जो आपका करंट इंडेक्स होता है वो सिक्स पे होता वो इस सिक्स पे होता है right? राइट और अब इस पॉइंट इन टाइम में मैच करते कि इस नोड का डेटा लेफ्ट एंड राइट इस नोड का लेफ्ट एंड राइट दोनों नल है और नल है और करंटली साथ के साथ इसी नोड का डेटा आपके करंट इंडेक्स के बराबर भी है तो इसका मतलब इस सीक्वेंस में हमारा ये हमारे पाथ एग्जिस्ट करता है इस सीक्वेंस में हमारा ये पाथ एग्जिस्ट करता है दूसरी चीज़ आपके मन में एक और डाउट हो सकता है कि सर अगर इस केस में कुछ और नोड्स भी होती है एक्स्ट्रा ठीक है लेट्स लेट्स से से के बाद कोई एट होता कुछ नाइन होता अगर ये भी सीक्वेंस होता तो यस स्टिल वी वी आर गोइंग टू रिटर्न ट्रू फ्रॉम दिस यू नो एरे क्यों क्योंकि इस गिवन सीक्वेंस में हमारा पाथ एग्जिस्ट करता है कहां से कहां तक यहां से यहां तक तो जब तक ये यहां तक टेस्ट करेगा इसको हमें अपना सीक्वेंस मिल चुका होगा तो दैट्स वॉट द प्रॉब्लम इज पाथ विद गिवन सीक्वेंस तो जो हमें गिवन सीक्वेंस है उस गिवन सीक्वेंस में हमारा कोई पाथ एग्जिस्ट करता है यस yes, अगर करता है तो हम रिटर्न करेंगे ट्रू ठीक है तो आई थिंक आपको प्रॉब्लम समझ में आ गई होगी प्रॉपर क्या तरीके से करना है कैसे करना है कैसे रिकर्जन कॉल होगा क्या क्या कंडीशन होगी ये सारी चीज आई थिंक क्लियर होगी तो लेट्स मूव टू दी कोड फाइनली सो दिस इज़ द कोड सो बेसिकली जो ओरिजिनल फंक्शन होगा वो मुझे सिर्फ दो ही चीज़ देगा एक तो रूट और एक सीक्वेंस एक तो रूट नोड देगा और एक सीक्वेंस देगा जो इंडेक्स वाला कैलकु जो इंडेक्स वाला कैलकुलेशन है वो मुझे अपने आप से फॉर्मुलेट करना पड़ेगा ठीक है तो बेसिकली करना क्या है कि जो हमें रूट रोड मिलेगी और जो हमें सीक्वेंस मिलेगा हम एक्चुअली उसको ओरिजिनल फंक्शन में एक्सेप्ट करेंगे जिसका नाम है हैज़ पाथ ठीक है तो लेट्स ये मेरे पास हैज पाथ नाम का फंक्शन है तो मैं चेक करूँ कि अगर रूट नन है मान लो ट्री आपके पास है नहीं आपके पास ट्री है ही नहीं जो रूट रोड होती है वो है ही नहीं लेकिन सीक्वेंस भी उस केस में आपको एम्प्टी मिल रहा है तो अगर रूट रोड नहीं है और सीक्वेंस भी खाली है तो तो ही आप रिटर्न करोगे ट्रू अदरवाइज आप रिटर्न करोगे फॉल्स तो इसलिए हमने लिखा है कि अगर रूट नन है तो रिटर्न क्या होगा इसके बेसिस पे होगा कि अगर दोनों की वैल्यू जीरो है मतलब दोनों जो लेंथ है सीक्वेंस की अगर वो भी जीरो है तो हम रिटर्न कर देंगे ट्रू अदरवाइज हम रिटर्न करेंगे फॉल्स तो लेंथ ऑफ सीक्वेंस इज इक्वल टू इज इक्वल टू जीरो का मतलब यही है कि अगर दोनों बराबर हुए मीन्स जीरो के बराबर हुआ लेंथ तो हम रिटर्न करेंगे ट्रू अदरवाइज वी विल रिटर्न फॉल्स ठीक है तो ये तो हमारी होगी बिल्कुल बेस कंडीशन ठीक है अदरवाइज हम क्या करेंगे अदरवाइज वी विल कॉल अ फंक्शन अदरवाइज हम एक फंक्शन कॉल करेंगे फाइंड सीक्वेंस नाम का जिसको हम रूट पास करेंगे सीक्वेंस पास करेंगे और इस सीक्वेंस का करंट इंडेक्स पास करेंगे विच इज़ जीरो इनिशियल इंडेक्स ठीक है अब देखते हैं इस, इसके डेफिनेशन देखते हैं तो वी आर रिसीविंग रूट नोड सीक्वेंस एंड द इंडेक्स तो हम सबसे पहले चेक करते हैं कि जिस पर्टिकुलर रूट नोड पर आप हो क्या वो नन तो नहीं है क्या वो एम तो नहीं है मतलब रूट नोड जो मिल रही है वो नन तो नहीं पहुंच गए तो उस केस में आप रिटर्न करोगे फॉल्स अदरवाइज़ देखो ये वो कंडीशन है जो मैं भी बता रहा था कि फंक्शन कॉल करते 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 है ना फंक्शन कॉल करते करते मान लो आपका पाथ था जिसके अंदर चार चार लेवल्स थे इस तरीके से और आपका सीक्वेंस में सिर्फ तीन ही तीन ही वैल्यूज है थ्री लेट से वन कोमा टू यहाँ पे थ्री है वन है टू है अब जब इस टू से आप इस फंक्शन पर कॉल करोगे तो इस पर ये तो कोई तुम्हारी स्पेसिफिक नोड होगी बट इस 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 पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम पर आपका आई आउट ऑफ द बाउंड चला जाएगा इंक्रीमेंट होकर के ठीक है तो उस केस में योर इंडेक्स विल बिकम इक्वल टू बिकम ग्रेटर देन इक्वल टू लेंथ ऑफ योर सीक्वेंस ठीक है तो आई की वैल्यू थ्री के बराबर हो जाएगी क्योंकि जीरो इंडेक्स वन इंडेक्स टू इंडेक्स तो आई की वैल्यू थ्री के बराबर हो जाएगी उस केस में तो हम यहीं से रिटर्न कर देंगे फॉल्स कि इस करंट पाथ में तो हमें नहीं मिला सीक्वेंस ठीक है अदरवाइज ऐसा भी हो सकता था कि लेट से दिस वॉज ऑल्सो पॉसिबल कि मान लीजिए आपके पास जो ट्री uh, था वो था थ्री वन एंड लेट से टू ये था लेकिन आपको सीक्वेंस दे रखा है थ्री वन जीरो है ना तो उस केस में थ्री भी मैच होगा वन भी मैच होगा बट फाइनली ये मैच नहीं होगा तो एट द एट एनी पॉइंट इन टाइम अगर आपके पास करंट नोट करंट रूट का डेटा मैच नहीं होता सीक्वेंस के करंट इंडेक्स से तो भी आप रिटर्न करोगे फॉल्स मींस अगर इन दोनों कंडीशन में एक भी कंडीशन ट्रू होती है तो आप रिटर्न कर दोगे फॉल्स ठीक है तो ये चीज़ मैं ऑलरेडी आई थिंक एक्सप्लेन कर चुका हूँ तरीके से अब देखो ला ये लास्ट वाली कंडीशन देखो ये वाली ये कहती है कि लेट्स से अगर आप मान लीजिए इस इस तरह के आप किसी सिनेरियो पे पहुंचे थ्री वन टू और आपका सीक्वेंस भी थ्री वन टू है तो आपका करंट आई लेट से आई टू पर है तो, और आप इस नोड पे हो तो आपका ये टू इस सीक्वेंस से मैच कर रहा है देखो ध्यान से अगर रूट का डेटा सीक्वेंस से मैच करता है सीक्वेंस के करंट इंडेक्स से एंड इस रूट का लेफ्ट एंड राइट दोनों नल भी है तो इसका मतलब पूरा मैच कर लिया आपने आप इस शुरू से लेकर के आखिरी तक मैच करते हुए आए हो तो आपने पूरा मैच कर लिया मीन्स यू विल रिटर्न ट्रू और कहीं से भी अगर इस फंक्शन ने ट्रू रिटर्न किया कहीं से भी किसी भी पाथ पे अगर इसको मिला पूरा सीक्वेंस तो पूरा आंसर आपके पास फंक्शन का ट्रू हो जाएगा क्योंकि और कंडीशन लगी हुई है देखो अदरवाइज हमें क्या करना है हर बार लेट से आप करंट नोड पे थ्री पे हो लेट से ये वन है एंड लेट से ये फाइव है ठीक है और आपके पास सीक्वेंस थ्री वन फाइव है तो बेसिकली आप क्या कर रहे हो स्टार्टिंग से चेक कर रहे हो थ्री मैच हुआ यस थ्री मैच हुआ तो मान लो करंटली आपके पास ये आई जीरो पे था भाई जीरो इंडेक्स पे तो पास कर रहे थे तो अब ये कह रहा है कि अगर मैच हो गया है तो तुम अब लेफ्ट में जाओ सेम सेम नोड को मतलब सेम रूट का लेफ्ट पे चले जाओ सीक्वेंस पास करो और करंट इंडेक्स में तुम एक इंक्रीमेंट कर दो तो आई आपके पास आ जाएगा नेक्स्ट पॉइंटेड टाइम पर यहाँ पे सो हाँ दैट so कि तुम नेक्स्ट नोड को इस वन से कंपेयर कर सको और अगर तुम्हें लेफ्ट से लेफ्ट में ना मिले तो तुम राइट में जाके चेक करना तो राइट के भी अपॉर्चुनिटी वो ले रहा है तो सेम चीज़ हम पास कर रहे हैं बस हमने दोनों के अंदर सेम इंडेक्स प्लस वन इंडेक्स प्लस वन कर दिया आपको मैं दिखा देता हूँ ठीक है तो दोनों ही सीक्वेंस चाहे लेफ्ट में जाओ चाहे राइट में जाओ दोनों जाकर के सेम सीक्वेंस पास करो सेम इंडेक्स प्लस वन पास करो है ना और बस ये हमें करना है ठीक है तो जिस भी तरफ से हमारे पास आंसर आ जाएगा दैट वी विल कीप दैट आंसर एंड फाइनली दिस विल रिटर्न ट्रू और फॉल्स तो अभी इस केस में क्या है कि हमारे पास ट्री था थ्री सेवन वन नाइन टू फाइव हमारे पास ट्री कुछ ऐसा था जो कि मैंने आपको एग्जाम्पल में दिखाया और थ्री वन टू मैंने सीक्वेंस पास किया तो उस केस में ट्रू करेगा रिटर्न मैंने आउटपुट ऊपर लिख रखा है रन कराने से कोई फायदा नहीं आप इसको कॉपी पेस्ट करके गीक्स फॉर गीक्स पर रन कर सकते हैं ठीक है, है? रन करा करके फालतू में वीडियो की लेंथ बढ़ानी है राइट तो आई थिंक समझ में आ रहा होगा यार आप लोग को प्लीज़ कमेंट वगैरह करके बताओ मेरे को ठीक है अगर यू इफ़ यू वांट एनी चेंजेस इन द वीडियोस ठीक है तो बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और उम्मीद करता हूँ कि आपको एंजॉय फुल आप कर रहे होंगे क्योंकि मैं तो काफ़ी इन्जॉय कर रहा हूँ वीडियोस बनाते वक्त ठीक है डेली एक वीडियो बनाता हूँ आप लोग के लिए है ना ठीक है फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और ये प्रॉब्लम आप सबमिट कर लेना लिंक छोड़ दूंगा इसका ठीक है चलिए बाय